जय श्री कृष्ण दोस्तों, श्री ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का जो विषय है वो राहु से संबंधित है। राहु के हम अनेकों उपाय करते हैं। कोई धन खर्च करके शांति करवाता है, कोई तंत्र मंत्र से, कोई मंत्र जाप से। हम राहु के मंत्रों के जाप की बारे में नहीं बोलता, क्योंकि राहु जो है एक राक्षस ग्रह है। तो इसका उपाय क्या है? राहु है, शनि है, ये भगवान शिव के शिष्य रह चुके हैं, इन्होंने भगवान शिव की सेवा की है। तो भगवान शिव की मदद से हम इनको शांत करेंगे, अपने अनुकूल करेंगे। यदि राहु की आपके महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, गोचर बस, जैसे कि अभी अष्टम भाव में राहु वृश्चिक राशि के बैठा हुआ है, वो भी उच्च का, कर्क राशि के द्वादश भाव में बैठा हुआ है उच्च का, सूर्य के साथ युति है अभी उसकी, तो ये पीड़ा आपको देगा। कर्ज अगर आपने ले रखा है तो उससे परेशानी, कर्ज लेना पड़ जाएगा, चुका नहीं पाएंगे, डिप्रेशन की स्थिति, नींद नहीं आएगी, कर्क राशि, ऐसे ही वृश्चिक राशि वालों के साथ भी होगा, मृत्यु तुल्य कष्ट, प्रेम में सफलता मिलेगी, पैसों की मतलब तंगी हो जाएगी कुल मिला के, ये पीड़ा देंगे राहु। तो ऐसा क्या किया जाए, भगवान शिव की ऐसी क्या सेवा की जाए, तो आज मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। सावन का महीना चला हुआ है, तो जो शिवलिंग पर आप जल चढ़ाते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के पश्चात चंदन से, सफेद चंदन जो होता है उससे आपको शिवलिंग होता है ऊपर की तरफ, नीचे जो नेति होती है जिससे जल नीचे की तरफ जाता है, वहां से आपको शुरू करना है, लिखना है ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का आपको लिखना है शिवलिंग के ऊपर। नेति से आप शुरू करिएगा और लिंग तक आपको ऊपर तक जाना है लिखते हुए ओम राम राहवे नमः, ऐसे आपको पूरा शिवलिंग के ऊपर लिखना है चंदन से। एक माला आप ओम राम राहवे नमः की शिवलिंग के सम्मुख जपिए, फिर एक माला आपको नमः शिवाय मंत्र की जपनी है। इससे आपका जो राहु पीड़ा दे रहा है वो 80% 85% आपकी कम हो जाएगी। किम कर्तव्य विमूढ, अगर आप हो गए, मतलब आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें, तो इसमें आपको मदद मिलेगी। डिप्रेशन की स्थिति से आप नीचे आ जाएंगे, राहु आपके लिए शुभ होने लग जाएगा। आजमाया हुआ है, आप भी अवश्य करके देखिएगा। यदि शनि आपको पीड़ा दे रहे हैं तो काले तिल जो हैं एक कटोरी में जल लीजिए, काले तिल डालिए और जल चढ़ाने के पश्चात शिवलिंग पर आप उन काले तिल को अर्पित कीजिए, और अर्पित करते हुए ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनश्चराय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम सम शनश्चराय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, या वैदिक मंत्र नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमागर्जम, इस श्लोक का भी जाप कर सकते हैं, आपको अद्भुत फायदा मिलेगा। शिवलिंग के सम्मुख दशकृत शनि स्तोत्र का पाठ भी आप करें तो शनि और राहु दोनों अच्छा फल देंगे, और आपकी जो भी अड़चनें आ रही है, बाधाएं आ रही है कार्य में, वो सब दूर हो जाएंगी इतना करने मात्र से। तो आप इसका लाभ उठाइए और इसको भी आप शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लोगों तक पहुँचाइए, ताकि वो भी फ़ायदा उठाएं जिनकी भी दशा चली हुई है, महादशा चली हुई है, या गोचर वश परेशान कर रहा है किसी भी रूप में, तो भगवान शिव उसको शांत कर देंगे और आपके काम बनने लग जाएंगे। बस इतना कीजिए,
फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।